तो आप लोगों को पहले एक नया ब्लॉग बनाना है एपीके स्टोर का। हमने सॉरी न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दिया, इसको हम बैक कर देते, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्रिएट करके टाइटल और वेब एड्रेस सेलेक्ट करके आप लोगों को दे देना है। हमने पहले से एपीके स्टोर पर एक ब्लॉग बना के रखा था आप लोगों सिंपली, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को देम्स पे जाना है, आप लोगों को फिर से हमने एक मॉडिफाई करके रखा है उसका आप लोगों को इग्नोर कर देना है। और आप लोगों को रिस्टोर पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, जहाँ से आपने उसके पहले आप लोगों को एक हमारे वेबसाइट खोल लेना है, नीचे हमारा वेबसाइट का लिंक दे देना है। अगर आप ये टेम्पलेट खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम इसको फ्री में दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड एपीके स्टोर टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कर दोगे हमारे जो HTML का जो हमने टेम्पलेट बना के रखा था वो सिंपली यहाँ पे आप गूगल पे चले आओगे, गूगल ड्राइव पे। यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो, हमने पहले से डाउनलोड करके रखा था इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कस्टमाइज पे जाना है, फिर आप लोगों को रिस्टोर पे जाना है, फिर आप लोगों को अपलोड पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ से आप लोगों को अपलोड करना है उसका आप लोगों को फाइल खोल लेना है, मतलब जहाँ से आप जहाँ पे आप इंस्टॉल करके रखे हो। उसके बाद आप लोगों को APK स्टोर टेम्पलेट लिख देना है, हमने रखा था, हमने ये रिस्टोरिंग देम हो रहा है, रिस्टोर देम। फिर आप लोगों को व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही करोगे यहाँ पे आप लोगों को हमारा जो कोडिंग करने के बाद जो हमारा जो आ गया है वो आ गया है, मतलब हमारे अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं किया, इसलिए आप लोगों को पहले एक पोस्ट देना है। हमने पहले से हम पोस्ट पे क्लिक कर चुके थे इसलिए वो हो गया सिलेक्टेड, इसलिए आप लोगों को टाइटल पे दे देना है, वो है हमारा APK स्टोर। यहाँ पे आप लोगों को APK स्टोर की जगह कोड्रॉयड लिख देना है, मतलब जो ऐप आप अपलोड करना चाहते हो उसको, ठीक है। कोड्रॉयड APK डाउनलोड 2021, ठीक है। फिर आप लोगों को जो क्लाउड सिंबल है वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने जाना है, फिर आप लोगों को अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है, फिर आप लोगों को चूज फाइल करना है, सॉरी हाँ कौन से, फिर आप लोगों को कोई भी पिक्चर आप लोगों को अपलोड कर देना है। हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन पोस्ट करेंगे, अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप पिक्चर दोगे कि नहीं। आप लोगों यहाँ से सिंपली इसको हटा देना है और इसको आप एडिट कर सकते हो, एडिट इमेज एक्स लार्ज अपडेट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एडिट इमेज पे जाके यहाँ पे ऑल टेक्स्ट को आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे कोडर दे देना है, टाइटल टेक्स्ट भी आप लोगों को ये टेक्स्ट दे देना है, सॉरी पेस्ट कॉपी, यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है, ठीक है। हेलो सिंपली ये कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट में क्लिक कर देना है, अपडेट हो चुका है हमारा। यहाँ पे आप लोगों को एंटर एंटर क्लिक करके आप लोगों को नीचे चल देना है, यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट को लार्जेस्ट कर देना है और यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देना है। हम यहाँ पे दे देते हैं फीचर्ड FEAURED फीचर्ड हाइलाइट्स HIG सॉरी HIG, यहाँ पे हमारा हो गया। इसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है, स्मॉल कर देना है सॉरी नॉर्मल कर देना है, नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन को हटा देते हैं। फिर आप लोगों को लिख देना है LATST, आप जो लिखना है वो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मतलब जो ऐप का जो होता है ना नीचे डिस्क्रिप्शन वाला वो कुछ होता है, सर्चिंग सॉरी ऐप 2021। यहाँ पे आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, हम कोई और इन्फॉर्मेशन डालना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, हम एक लास्ट में और एक इमेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। APK 2, आप इसको और भी लिख के और भी इमेज प्रोवाइड करके और भी कस्टमाइजेबल बना सकते हो, लेकिन हम उसको नहीं बनाएंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे ये सारे इमेज को अपलोड कर दे एक साथ टुक टुक करके, नहीं होगा ए हाँ चलो ठीक है। तो ये तो भाई हो गया, सारे को एक साथ सेलेक्ट करना है, 1 2 चलो क्लिक कर देना, ठीक है। ये जैसे कि एक लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं एकदम इधर रख देते हैं, इसको यहाँ पे कर देना है, इसको मिडल में रखना है, सही है, इसको इस साइड कर देना है,
ये मिडिल में से सही है, इसको इस साइड कर देना है, ये मिडिल में सही आ रहा है, इसको इधर कर देना है। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहते। यहाँ पे हम थैंक यू लिख देते हैं, TH ANK यू, थैंक यू। अच्छा अब ये तो गया हमारा आर्टिकल, अब डाउनलोड कहाँ पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक लास्ट में बटन लगाना चाहते हैं, और उसके बाद हम यहाँ इसके नीचे में एक बटन लगाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ऊपर कर देना है, मतलब हम फीचर हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा है पता नहीं क्यों, इसको अंडरलाइन को कट कर देते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को नल कर देना है। पता नहीं ये अंडरलाइन हो जा रहा है बार बार, चलो इसको साइड में रखते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। BUTTONS बटन्स, ठीक है, ये जो अंडरलाइन हो रहा है ना उसको हम सिंपली हटा देंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्पेस दे सकते हो, ये रहा, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ पे लगाएंगे, एकदम लास्ट में। ठीक है, एकदम नीचे लगाएंगे, नीचे पेस्ट। ठीक है, इसको हम कर देंगे मिडिल। अच्छा लग रहा है कुछ, चलो ये तो गया। फिर आप लोगों को यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे HTML व्यू पे चल जाना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे Ctrl+F मतलब सर्च में क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है बटन BUTTON सॉरी TT8 बटन, ये रहा बटन हमारा। ठीक है, तो ये तो गया हमारा एक बटन, फिर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके हटा देना है यहाँ पे। फिर आप लोगों को मैं जो कोड दे रहा हूँ एकदम, आप लोगों को क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे फिर से जाना है, फिर आप लोगों को स्क्रॉल करना है, फिर आप लोगों को मिल जाएगा गूगल प्ले डाउनलोड बटन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डिवाइस, ठीक है, इसको आप लोगों को सिंपली कॉपी कर देना है, और यहाँ पे हमने जो वहाँ पे कर्सर रखा था वहाँ पे ब्लिंक करेगा, वहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। ये तो गया हमारा पेस्ट होके। ठीक है, फिर से आप लोगों को इसको कट कर देना है, फिर से Ctrl+F सॉरी नहीं हो रहा, क्यों क्या हो गया, मैंने दो रखा था सॉरी, Ctrl+V हो गया, फिर से यहाँ से आप लोगों को कट कर देना है डिवाइड। अरे यार Ctrl+Z, हाँ चलो ठीक है, उन्हें डिवाइड लिखना क्या भूल गए थे? नहीं, ठीक है, फिर से आप लोगों को और एक चीज़ ढूंढना है, वो हमें पता नहीं कैसे क्यों ढूंढ नहीं मिल रहा, Ctrl+F हाँ लो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सर्च बटन। बटन कहाँ है, और एक बटन रहना चाहिए यार, हाँ चलो मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को उसको Ctrl+V कर देना है। ठीक है, ये तो गया, ये सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ऐसे छोड़ देना है, यहाँ पे आप लोगों को कंपोज व्यू पे चल देना है। योर कंटेंट इज इनवैलिड स्विचिंग टू, चलो हमने कुछ गलती कर दी है, मतलब लगता है कुछ पे कॉपी पेस्ट में हमने गलती कर दी इसमें तो, पर आप सब ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी, पता नहीं कहाँ पे क्या गलती कर दी। चलो इसको फिर से रीलोड की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको देखते हैं बाद में। Ctrl+Z 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 काम नहीं कर रहा है क्या, चलो ये क्या Ctrl+Z Ctrl+Z हाँ चलो जूम बहुत हो गया है, इसको माइनस करते हैं सॉरी 100 भी अच्छा रहेगा, चलो +Z Ctrl+Z चलो Ctrl+Z। यहाँ पे हमने बटन स्विच करके रखा था, यहाँ पे दो बटन, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने वो बहुत गलती कर दी थी,
इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते कर्सर को, और यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बाद में हमने कुछ दिक्कत अगर कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और एक बटन मिल जाएगा आप लोगों को, हमने पहले बटन को आप लोगों को उड़ा देना है, मतलब हटा देना है, ठीक है। और नहीं हटाओगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसमें आप लोगों को बटन में क्लिक करके इसको हटा देना है, फिर से यहाँ पे आप लोगों को उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे स्पेस उतना भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कहाँ पे पेस्ट स्पेस दे रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करता। आई होप अब ठीक हो जाएगा। अरे यार कुछ तो गलती हम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कर रहे हैं। ये HTML कोड ना बहुत भुगाता है, जितना रंग सही होता है वो। हमारे ऐसा प्रॉब्लम हमारे सर्च इंजन में हुआ था, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पे गलती कर दी। फिर से यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलो भाई इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, पता नहीं यार कहाँ पे गलती कर दी। इसको कर देते स्विच कर देते, ठीक है, जो होगा दिखाया जाएगा। चलो ना ना वहाँ पे वो सर्वर में, उन लोगों का सर्वर में कुछ दिक्कत हुआ था, नहीं मेरा एकदम फर्स्ट क्लास है। इसको हटा देते यार, यहाँ से ऐसे इसको फिर से रीलोड कर लेते। आई होप यहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो, आई होप सो। चलो क्या हुआ, रीलोड नहीं हुआ क्या? व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं। अरे भाई गलती हो गई। ओ सॉरी, आप लोगों को तो पब्लिश करना है ना, सॉरी ये हमारा गलती है, सॉरी। स्विच कर लेना, क्यों गलती। यहाँ पे आप गूगल प्ले डाउनलोड का भी लिंक दे सकते हो इसको। हाँ चलो पब्लिश कर देते हैं, जाओ जो होगा सो दिखाया जाएगा। व्यू ब्लॉक पर क्लिक कर देना है। आई होप ये दिख जाए, अब दिख जाए बेटे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी हमको। हाँ चलो काम तो कर गया। हाँ व्हाट्सएप, चलो ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को रिलेटेड पोस्ट कमेंट्स वॉमेंट्स सब दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सॉरी ब्लैक कर देना है। यहाँ पे पेज वन ही ऐड कर चुके हैं हम, अगर और भी पोस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, जो गूगल प्ले डाउनलोड लिंक डाउनलोड, हम गूगल प्ले, अगर आपके पास अगर कोई गूगल प्ले डाउनलोड नहीं है, मतलब आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड अपने ऐप को पब्लिश नहीं किया, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक कोड आप लोगों को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। ये वाला गूगल प्ले वाला इसको हटा दिया, स्पेस आई होप यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, आप यहाँ से ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप लोगों को इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है, स्पेस मैटर नहीं करता। फिर आप लोगों को यहाँ पे गूगल ड्राइव पे जाना है, मतलब आप जहाँ पे आपने ऐप को ऐप का लिंक आपने सबमिट कर रखा था वहाँ पे आप लोगों को जाना है। आई होप मैंने मीडिया फायर पे हमने रखा था। हाँ चलो मीडिया फायर, थैंक्स। यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है, हम मीडिया फायर में यूज़ करते हैं कभी कभी ना। चलो यहाँ पे मिल गया भाई, यहाँ पे 23 डाउन। हाँ ये वाला ऐप हमारा है, इसको कॉपीड शेयर लिंक किया, आप लोगों को यहाँ पे जाना है। सिंपली आप लोगों को ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो HTTP जो है यहाँ पे ना, इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। फिर आप लोगों को पेस्ट कर देना है, मतलब ये हमारा डाउनलोड लिंक है, हमने इसको मीडिया फायर पे रखा था। अगर आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज में रखते हो अपने ऐप को, यहाँ पे आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना भी। पेस्ट, ठीक है, चलो हो गया। फिर आप लोगों का क्या करना है, आई होप स्पेस उतना भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हाँ चलो हाँ हो गया, इसको अपडेट कर देते हैं। मस्त हो गया, मस्त चीज़ है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को फिर कंपोज व्यू पे जाना है, स्विच कर देना है। यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, उन लोगों का सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। सो सिंपली आप लोगों को अपडेट पे भी क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। अगर आप गूगल प्ले रखना चाहते हो, गूगल प्ले स्टोर में आपका है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे रखोगे या नहीं। फिर आप लोगों को अपडेट में, अपडेट हमने कर दिया सॉरी, ठीक है। फिर आप लोगों को व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। चलो तो ये गया हमारा कोड राइट APK डाउनलोड। ठीक है यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, यहाँ जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे हमारा ऐप का लिंक जो है खुल जाएगा। कहाँ से करना है इस, मतलब इसके लिए आप गूगल ड्राइव अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मीडिया फायर पे आप ऐप एक स्टोरेज बना लो, ठीक है। क्योंकि इसके इस केस में मैं हमेशा देखता हूँ कि यहाँ पे आपके पास मीडिया फायर ही डाउनलोड होता है,
और हाँ, आप लोग और एक चीज़ बता दो, अगर आप टेम्पलेट खुद का बनाना चाहते हो तो आप, अगर आप कोडिंग पता है तो आप बना सकते हो यार, अगर आप नहीं बनाना चाहते जानते हो तो इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लो अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐप, हमारा वेबसाइट पे हम फ्री में कोडिंग बांट रहे हैं, यहाँ पे हमारा HTML गेमिंग फ्री कोडिंग है, इसका भी आप मदद कर सकते हो। ये हमारे कुदुलर के लिए रखा है, कुदुलर HTML गेमिंग के लिए, यहाँ पे और भी कोई, ठीक है। इस यहाँ पे टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक रखा है। तो हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, इसके मदद से आप कोडलर पे भी अपना एक ऐप बना सकते हो। चलो आप लोगों को बता देते हैं, ये तो गया हमारा लिंक, ठीक है। यहाँ पे HTML कोडिंग है तो इसमें वेब व्यूअर भी बहुत काम कर जाएगा यहाँ पे कोडलर पे। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, एक खाली आई होप ये वाला फ्री होगा, ये फ्री नहीं है क्या? इसको यहाँ पे डालते हैं। चलो बाय, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमारे पास उतना भी पॉइंट वॉइंट वगैरह वगैरह नहीं है। अब एक ही स्क्रीन है, हाँ एक ही स्क्रीन है, स्क्रैच स्क्रीन। स्क्रैच स्क्रीन क्या है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के करना है वेब व्यूअर, वेब व्यूअर भी लगा सकते हो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे होम यूआरएल के, यूआरएल के लिए यहाँ पे आप लोगों को जाना है। अब आप लोगों को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, फिर आप लोगों को होम यूआरएल पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है, तो ये हो गया। यहाँ पे वेब व्यूअर मदद कर सकता है, अगर आप वेब व्यूअर नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली डिलीट कर देना है। फिर आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल बटन अगर नहीं मिलता तो सिंपली आप लोग को अकाउंट पे जाना है, माई अकाउंट पे जाना है, यार कहाँ पे, चलो सॉरी 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 सॉरी, सेटिंग्स पे जाना है, सॉरी। हाँ ठीक है, आप लोगों को फिर आप लोगों को यहाँ पे कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस को हम साइड में रखते हैं। पहले सो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ को अनटिक कर देना है, अगर अनटिक है तो इसको टिक कर देना है, फिर आप लोगों को मिलेगा रीलोड ऑप्शन, रीलोड कर देना है, फिर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप लोगों को कस्टम यूआरएल जो है, कस्टम टाइप आप लोगों को ले लेना है। इसके बाद यूआरएल तो हमने कॉपी कर लिया, रख चुके हैं, फिर भी एक बार कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कस्टम टैब पे आप लोगों को ये पेस्ट कर देना है, ठीक है, बन चुका है। ब्लॉक्स पे जाना है, इसको हम हटा देते हैं। वेन स्क्रीन वैन इनिशियलाइज का ऑप्शन हम यहाँ पे से ले लेते हैं, सेव एम डी स्क्रीन। इनिशियलाइज कहाँ गया, वेन स्क्रीन वैन इनिशियलाइज, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ब्लॉक उठा के लग देना है, यू आर एल वाला सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आप लोगों को टेक्स्ट ले लेना है, यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को इंटर क्लिक कर देना है, फिर आप लोगों को कस्टम टैब लिख देना है और ओपन कस्टम टैब लग देना है। चलो तो यहाँ पे आप लोगों को डिज़ाइनर एलिमेंट भी ख़त्म हो गया, ब्लॉक्स पार्ट भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। इसका AI फाइल आई होप मैं डाउनलोड, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख देना, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैंने सोचा था इसका दो पार्ट कर देते हैं, लेकिन लेकिन दो पार्ट में से और भी बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम दो पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt.